First the mountains, then the sea, and now the desert. Moving through varied landscapes of India proves that this life has a lot to offer. So what makes traveling beautiful? Obviously ये सुंदर सुंदर जगह, यहाँ के लोग और उनके cultures. और अगर culture and traditions की बात करें तो राजस्थान को कोई कैसे भूल सकता है. राजस्थान हमें एक important सीख भी देता है कि ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए और आप कितनी बार क्यों ना हारे हो, अगर आप डट कर उसका सामना करते हो तब आपको मुश्किल पड़ाव में भी जीत हासिल हो सकती है. और आपको ये डायलॉग तो मालूम ही होगा कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं. Guys, I hope all of you are doing fine and having a perfectly splendid day. So welcome to my vlog. I know बहुत दिन बाद हम आ रहे हैं, बहुत महीने बाद, but I am here. I am perfectly charged up और आप लोग के लिए मेरे पास बहुत सारे नए content हैं. So जिनको मेरे बारे में नहीं पता है and they are the first timers here. Hi, जोहार, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम. I am Dr. Vlogger, aka Wilson. और ये channel है all about virtual tours, me taking you to new places. I am going to share the itinerary information, history about the place, and I hope you will like it. So मेरा title पढ़ के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहाँ घूमने वाले हैं. चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे साइट सींग पे. So अभी हम अपने हॉस्टल का टूर नहीं करवाएंगे, पहले हम लोग जाते हैं हवा महल, वो टूर करके आते हैं. ये था हमारा एंट्री और दीदी लोग आ रही है. तो ये है आपका हवा महल का टिकट काउंटर. यहाँ पे आपको नॉर्मल टिकट भी, स्टूडेंट टिकट भी और कंपोजिट टिकट भी मिल जाएगा, तो उसका फ़ोटो हम बाद में दे देंगे. एंट्रेंस सो वी आर फाइनली एट हवा महल, जिसको पैलेस ऑफ विंड्स या फिर पैलेस ऑफ ब्रीज भी बोलते हैं. तो अल्टीमेटली हम ऊपर आ गए क्योंकि नीचे बहुत भीड़ हो रहा था और बहुत शोर मचा रहे थे सब कोई, तो मुझे व्लॉगिंग करने में बहुत मुश्किल हो रहा था. आप सीढ़ी से ऊपर आ सकते हैं. तो पहले टिकट के बारे में बता देते हैं. टिकट हमारा नॉर्मल टिकट है और कंपोजिट टिकट है. नॉर्मल टिकट आपका लेता है 50 रुपया और स्टूडेंट्स के लिए 20 रुपीज़. और अगर आप कंपोजिट करने जाते हैं तो बहुत जगह घुमाएगा, उसका फ़ोटो हम टिकट का फ़ोटो आप लोग को दे देंगे अपने व्लॉग में. और साथ में आपका वो प्राइस पड़ेगा 400 रुपया पर पर्सन नॉर्मल, ये कंपोजिट वाला नॉर्मल लोगों के लिए, और स्टूडेंट के लिए 100 रुपया. उसके मदद से आप बहुत सारे फोर्ट्स, नाहरगढ़ फोर्ट, अंबेर फोर्ट, सिटी पैलेस, ये सब घूम सकते हैं कम दाम में. सो बहुत अच्छी जगह है एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छी जगह है. सो थोड़ा सा फैक्ट हिस्ट्री के बारे में, ये बनाया गया था बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह 1799 में, और लाल चंद उस्ताद ने इसे डिज़ाइन किया था. बहुत ही धूप है, इट्स सच ब्यूटीफुल. सो फन फैक्ट, देर आर 953 विंडोज़ इन हवा महल. सो पहले के समय में ऐसे था कि जो रॉयल क्वींस थी उन्हें बाहर चेहरा दिखाने नहीं दिया जाता था, या फिर वो लोग बाहर ज़्यादा नहीं जाते थे. तो जो राजा थे उन्होंने उनके लिए इतने सारे विंडोज़ बनाए ताकि वो लोग कोई भी प्रोसेशंस या फिर कोई भी पार्टीज होंगे तो वो खिड़की से देख सके. बहुत छोटे छोटे खिड़की, आप देख पा रहे होंगे कितने सारे खिड़कियाँ हैं, तो वहाँ से वो लोग देख सके और प्रोसेशंस का मज़ा ले सके. सो इसलिए इतने सारे विंडोज़ उन्होंने बनवाए. भाई साहब बहुत गर्म है, बहुत तपती धूप है, कैमरा पूरा गर्म हो गया है. लेकिन हम जितना सिनेमैटिक शॉट ले पा रहे हैं, जितना वीडियो हम शूट कर पा रहे हैं, जितना व्लॉग हम शूट कर पा रहे हैं, हम कर रहे हैं. अब चलते दीदी लोग के तरफ और देखते और आगे आगे क्या है. जाए टूटी बाजू बंदरी लू लड़ू लछे
फाइव स्टोरीज है जैसे हम बताए थे। सो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे फाइव स्टोरीज बिल्डिंग है ये, तो नीचे से शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्लोर से शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, ये हम लोग प्रकाश में हैं, और ऊपर है हवा महल, और एक स्टोरी ऊपर जाना पड़ता है। तो ये है आपका मेन हवा महल, सबसे टॉप फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर आई मीन, और ऊपर आके आपको दिखेगा वो है जंतर मंतर, ठीक वहाँ पे वो शायद अंबेर फोर्ट है, ठीक से पता लगाते हैं, बट दिस इज जंतर मंतर। सो जब आप एग्जिट की तरफ निकलिएगा हवा महल से, तब आपको स्कल्पचर गैलरी दिखेगा, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स हैं, और आपको वो ज़रूर देखना चाहिए, कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो हम इस तरफ स्कल्पचर गैलरी देखें, आप अगर ऊपर आइएगा तो इस तरफ होगा, और आप एग्जिट की तरफ निकलेंगे आप जाएंगे जंतर मंतर या फिर सिटी पैलेस देखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम गुम हो गए, हमको नहीं पता अब कहाँ से जाना है। मेरी दीदी और स्नेहा दी निकल चुकी है, आई गेस वहाँ से रास्ता है। यस, पैलेस में मुझे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, आई जस्ट फॉरगेट। दिस इज टॉप व्यू फ्रॉम स्कल्पचर गैलरी, उधर से रास्ता है, फिर वहाँ से आप आइएगा, वहाँ से रास्ता है, यहाँ पे सारे स्कल्पचर्स रखे हुए हैं, वहाँ पे, वहाँ पे। भाई साहब आई एम लॉस्ट, आई गेस। नो नो, आई एम नॉट लॉस्ट, ओह गॉड। ये है पूरा गैलरी। तो मेरे पीछे है महारानी मार्केट फैक्ट्री आउटलेट, तो यहाँ पे हम लोग आए थे देखने, छोटा सा मार्केट है, अंदर अंदर से जाना पड़ता है और वहाँ से एग्ज़िट है। तो यहाँ पे आपको विंटेज कार भी दिखेगा साइड में, और अंदर जाइएगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि लोग कैसे कपड़ा बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं, प्रिंट ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे होता है, और अंदर में पूरा शोरूम है कपड़ों का, रजाई का, साड़ियों का, कुर्ती, और उसके बाद आपको बहुत सारे वो मिलेंगे, कान के झुमके, माला, सब कुछ, जेम स्टोन्स, और साथ में वो सब भी मिलेगा। अरे पीस रखते हैं ना घर में, सो पीस वो सब, और बहुत अच्छा अच्छा चीज़ है, तो अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से 5 मिनट शायद लगेगा, पैदल जाएंगे सिटी पैलेस, यहाँ से सिटी पैलेस बहुत पास है, सिटी पैलेस और हवा महल और जंतर मंतर भी यहाँ से पास है। फाइनली वी आर एट सिटी पैलेस। आप लोगों ने वो पपेट शो देखा ही होगा, तो ऐसे पपेट शो को मोटिवेट करना चाहिए, वो लोग वहाँ पे इतने देर से वो लोग कितना अच्छा वेलकमिंग किए, वेलकम किया हम लोग को, और इतना अच्छा पपेट शो दिखाए। बहुत कम व्यूअर्स थे वहाँ पे, लेकिन हम थे, मेरी दीदी स्नेहा दी थी, और हम कुछ पे भी कर दे उनको, उनको मोटिवेट करना चाहिए, वो लोग इतने धूप में वहाँ पे सबको वेलकम कर रहे हैं, पपेट शो दिखा रहे हैं, उनका पपेट भी है, वो लोग बेचते हैं खुद बना के, तो वो अराउंड 200-300 प्राइस करता है, और मैंने एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ जस्ट पे कर दिया, मैंने पपेट्स नहीं खरीदे। लेकिन उन इस तरह के आर्टिस्ट को मोटिवेट करना चाहिए। सो फाइनली जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग सिटी पैलेस में हैं, यहाँ पे बहुत सारे साइड से देखने का, अंदर में आप दीवाने आम, दीवाने खास, फिर उधर गंगा जली है पीछे में, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है, वो आप देख सकते हैं। साथ में एक चंद्र महल है, जो चंद्र कमल जो थी महाराजा सवाई सिंह की वाइफ, उनके लिए उन्होंने बनाया था, उससे देखने के लिए शायद 2000 रुपीज़ और पे करना पड़ेगा, तो वो हम लोग नहीं पे कर रहे हैं, हमें बजट टाइट करके चलना पड़ेगा, सो वो है देखने को। और साथ में आपका टिकट का जो प्राइस है, हम वो आपको वीडियो दे देंगे, इसी ब्लॉग के साथ अटैच होगा। छुनक छुनक पायल बाजे से।
रिच कल्चर ये जगह है, इट्स प्रिंसिपल ऑफ इट इज रिच, मतलब कल्चर रिच प्लेस एकदम. सो हॉट हेयर मीन्स अगर धूप बहुत ज़्यादा धूप है तो मेक श्योर बिकम बॉटल ऑफ वाटर इम्पॉर्टेंट थिंग, यू गेट हाइड्रेटेड वाटर हियर वेल. ऑल प्लेसेस आर मीन्स यू कैन कवर इट बाई ऑन रूप कवर इट बट यू विल गेट डिहाइड्रेटेड. सो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, मेंटेन हाइड्रेशन. एंड बीच बीच में खाने का दुकान वगैरह, जूस वगैरह का दुकान भी मिल जाएगा. और ऐसे घूमने की जगह बहुत अच्छी है. द मॉन्यूमेंट्स हियर पैलेसेस आर एक्चुअली रियली वेरी ब्यूटीफुल. यू कैन गेट एन इनसाइट इन टू द पास्ट, इन टू द हिस्ट्री, हाउ पीपल देन यूज टू स्टे, वॉट वर देयर थॉट प्रोसेसेस. और यू कैन जस्ट इमेजिन राजा महाराजा और महारानी इन ऑल दोज प्लेस वॉन्डरिंग इन दिस कोर्टयार्ड्स और दिस प्लेसेस, यहाँ पे बैठेंगे वहाँ बैठेंगे. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप ऐसे रियलाइज होंगे, आप खुद आओगे तो रियलाइज होंगे. एंड अभी हम सिटी पैलेस में हैं, पैलेस बहुत ही बड़ा है. सिटी म्यूजियम, लास्ट में सिटी म्यूजियम का गाइड दिया हुआ है, गाइड नहीं दिया हुआ, टिकट दिया हुआ है. साथ में आप यहाँ पे गाइड भी ले सकते हैं, 300 से 400 लेगा गाइड, और आपको एक घंटे में या फिर डेढ़ घंटे में पूरे जो सिटी पैलेस में क्या है, कहाँ पे क्या है, सब घुमा के बता देगा, इन्फॉर्मेशन भी दे देगा. और यहाँ पे बहुत सारी जगह है जो हम आपको नहीं दिखा सकते, वहाँ पे आपका वीडियो और फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है. पीछे में जैसे आपका वेपन गैलरी है, यहाँ पे आपका टेक्सटाइल गैलरी है, आर्ट गैलरी है, तो वो सब भी आप देख सकते हैं. सो पीछे है सिटी पैलेस का एग्जिट, अभी हम लोग जा रहे हैं जंतर मंतर की तरफ, क्योंकि जंतर मंतर आपका 4:30 बजे बंद हो जाएगा, 9 बजे खुलता है, 4:30 बजे बंद हो जाता है, इसलिए वो जल्दी घूमना पड़ेगा. सो वी आर फाइनली एट जंतर मंतर. ये जो है जगह, ये आपका सिटी पैलेस से अराउंड 3 से 4 मिनट या 5 मिनट जैसा लगता है ऑन फुट आप पहुंच जाओगे, अगर आपके पास वो टिकट है जिसमें आप सब कुछ कंपोजिट टिकट सब आप पे इन्वॉल्व रहता है, वो आप लिए तो आप दिखा दीजिएगा, लोग पिन मार के आपको अंदर आने देंगे. और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप बुक करके टिकट यहाँ पे आ सकते हो. ये है आपका जैसे हम बताए जंतर मंतर, अभी धूप बहुत कम है इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादातर कुछ दिखा नहीं सकते, लेकिन ये जो जगह है ये आपका सवाई राज सिंह ने बनाया था इसको, क्योंकि उन्हें एस्ट्रोलॉजी पे बहुत इंटरेस्ट था, तो ये उन्होंने बनाया. ये एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे वो टाइम कितना हो रहा है और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि क्या है और एल्टीट्यूड क्या है, सो वो सब यहाँ पे पता चलता है. और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है वो पीछे, वो पीछे जो है ये है आपका विराट सम्राट यंत्र. इसमें 2 सेकेंड्स का एक्यूरेसी है, साइड में भी है लेकिन वो आपका छोटा वाला है, इसका छोटा वर्जन है, वो 20 सेकेंड्स का एक्यूरेसी है लेकिन ये आपका 2 सेकेंड्स का एक्यूरेसी है. इसके वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे रखा गया है. और इसके बारे में और एक हिस्ट्री है कि ये 5 जगह पे है और न्यू दिल्ली भी उसमें से एक है, और जयपुर वाला अभी भी काम करता है, यहाँ पे सब अभी भी फंक्शनिंग है और गवर्नमेंट ने इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है. सो वहाँ पे बहुत लोग हैं इसलिए हम थोड़े दूर से ले रहे हैं, यहाँ से आपको शैडो तो समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ से बताते. ये है आपका लघु सम्राट यंत्र और वो वाला है आपका विराट सम्राट यंत्र, जिसके वजह से ये जगह जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्वॉल्व कर दिया गया और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है. तो इसमें कैसे सनडायल से कैसे टाइम पता चलता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 6 AM से 12 PM होता है, यहाँ से 12 PM से आपका 6 PM तक होता है. डिविशन होता है आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे भी 12, 1, 2, 3, 4 ये है 5, ये है 6. तो देखिए आप फोन में पड़ रहा है शैडो, ये ग्लोमोन है, इसका शैडो फोन में पड़ रहा है. और इसी फोन के साथ आपको अभी जो जयपुर का
टाइमिंग के हिसाब से आपको लेटीट्यूड ऐड करना पड़ेगा 16, तो आप अगर 4 के साथ 16 में 4 आवर 16 मिनट्स, तो अभी का टाइम है 4:15 बज रहा है, तो 4:16 यहाँ से आपका काउंट होता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जहाँ पे शेडो पड़ेगा वो देखना पड़ेगा और उसके साथ 16, 17 ऐड करना है, तो आपका टाइम मिल जाएगा। डिविशन से 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 करके। सो ये आपका पूरा है विराट सम्राट यंत्र। ये बीच में जो है इसे बोलते हैं ग्लोमोन, इसमें जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो चढ़ते थे और एकदम टॉप में जाके वहाँ पे पता लगाते थे कि कब बारिश पड़ने वाली है, कब बारिश नहीं पड़ने वाली है। और ये आपका टाइमिंग बताता है 6 AM to 12 PM, 12 PM to 6 PM, और इसमें डिवीशन होता है आपका एक बड़ा डिवीशन, जैसे उसमें बताए थे कि एक डिवीशन 1 आवर का था, यहाँ पे एक डिवीशन 15 मिनट्स का होता है एंड 2 सेकंड्स का एक्यूरेसी होता है, और उसके साथ आपको जयपुर का जो लैटिट्यूड है उसको ऐड करना पड़ता है, और इसके वजह से ही इस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्वॉल्व कर दिया गया है। ये रात को हवा महल इस तरह दिखता है। Isn't that beautiful? Hey guys, so this is the end of the vlog. Day 1 in Jaipur. So it was my first day, इसलिए मैं बहुत tired था और बिना ending record करके मैं उस दिन सो गया। So I'm recording it right now. अब से इस vlog में change आएगा कि मैं आप लोग को like, comment, share करने नहीं बोलूँगा, क्योंकि I know if the vlog will be good, you'll obviously like it. And so I hope you like it. So that's all for today. थोड़ा वेट करना, because I'll give you a glimpse of what is going to happen in the next vlog. So check it out. Thanks for watching. Have a nice day. Peace.